या 6 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। अच्छा। और उसके बाद शास्त्रीय संगीत का भी प्रोग्राम है उसी में। अच्छा। जो कि लगभग 10 बजे रात तक चलेगा। अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला आधिकारिक रूप से आप? नहीं, हम लोगों से एप्लीकेशन मांगा गया है, हम लोगों ने पूरा। सबसे पहले तो आप कार्ड लगाए हैं, कष्टहारा घाट पूजा समिति आदर्श नवयुवक संघ, तो इसमें आपका नाम नहीं है, सदस्य का नाम नहीं है इसमें? जाने में कोई परेशानी नहीं, बस यही है कि यहाँ पे पूरा भीड़ लगा है, भीड़ के कारण जाम लग गया। अच्छा, घाट की स्थिति के बारे में क्या कहें? उनकी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। देश विदेश से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ आते हैं इस पर्व को करने के लिए। अपने स्थानीय प्रशासन शासन जो भी यहाँ पे है उनको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? बूटन सिंह। देखिए, अभी तक केवल निरीक्षण ही किए हैं, हम लोगों को कोई निर्देश नहीं मिला है। उन लोगों का कहना है कि घाट में पानी ज्यादा है, आप लोग कहीं मतलब व्यवस्था कर लीजिए, कृत्रिम रूप से तालाब बना करके उसमें कीजिए जाए। फैमिली भी बोली कि चलिए पहले स्नान करते हैं, मैंने कहा चलो सबके सब जा रहे हैं। जी नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, सब सारी व्यवस्था है, टेम्पो से आए हैं। युवा लोग अपने स्तर पे कितना करेंगे, जब तक शासन प्रशासन अगर साथ ना दे तो कोई नहीं कर सकता। हुआ था पूरा कीचड़ है, पूरा कीचड़, हाँ, सुविधा नहीं है कुछ। अच्छा, इससे पहले आए थे यहाँ प्रस्थान करने के लिए? नहीं, यहाँ नहीं आया। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं मौजूद हूँ अभी विद्यापति का जो आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घाट है, कष्टहारिणी घाट, उस घाट पर जुड़े हुए हैं। और इस घाट की महत्ता के बारे में लगातार हम 4 वर्षों से आपको बताते आ रहे हैं, और आज जैसा कि यहाँ पर मैं तमाम श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा यहाँ पर लगा है और आस्था के लिए उभरी है जन सैलाब, तो इसका मूल रूप से कारण जो है, जो बढ़ती लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं, और साथ में जो सूर्य ग्रहण लगा था कल, इसके कारण जो 5:50 तक उसका सूर्य ग्रहण का टाइम था, एंडिंग टाइम था, और उसके बाद लोग नहीं जो आ सके वो लोग, तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ पर बना हुआ घाट पर। और जैसा कि दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो स्थिति है घाट का उसका भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा संघ है जो यहाँ पर मैं देख रेख करते हैं, घाट को देख रेख करते हैं, उन युवाओं से भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, और जो समिति के जो मेंबर हैं उनसे जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ की व्यवस्था है, तो किस तरह से किस तरह की कोई परेशानी हुआ है। सबसे पहले एक लोग जो भैया, एक मिनट रुक जाइएगा, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। आइए जरा, कुंदन कुमार कहाँ से आए भैया? क्यों टास आए? क्या परेशानी भी हुई यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए? परेशानी हुई है, पूरा जाम लगा हुआ था, पूरा कीचड़ है, पूरा कीचड़, हाँ, सुविधा नहीं है कुछ। अच्छा, इससे पहले आए थे यहाँ पर स्नान करने के लिए? नहीं, यहाँ नहीं आया पहले। इससे पहले नहीं आए थे स्नान? पहले वाला। अच्छा, आने जाने में कोई परेशानी हुई क्या? आने जाने में कोई परेशानी नहीं, बस यही है कि यहाँ पे पूरा भीड़ लगा, भीड़ के कारण जाम लग गया। अच्छा, घाट की स्थिति के बारे में क्या? घाट की स्थिति तो देख ही रहे हैं, पूरा साफ सफाई कुछ भी नहीं है, दलदला सा बना है जी। क्या नाम है आपका? कुंदन। अच्छा, कुंदन कुमार, तो जैसा कि केवटा से आए हुए थे कुंदन कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये कह रहे थे साहब जो निश्चित रूप से जो है परेशानी है वो घाट को लेकर थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि चूंकि जो दलदला सा जो यहाँ पर बना हुआ, जो हम तमाम दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं, कैमरे पर जराइएगा, दिखलाइएगा दृश्य को, और जो स्थिति है इसको लेकर तमाम श्रद्धालुओं का कहना, जो व्यवस्था है वो नहीं है। इसका मूल रूप से कारण ये हो सकता है जो बाढ़ जो है पुनः दोबारा आने के कारण इस तरह की स्थिति यहाँ पर बने, मगर हालांकि युवा लोग जो यहाँ है, जो समिति के युवा है, वो निश्चित रूप से कार्य में जुटे हुए हैं और जो सफाई है इसमें लगातार जुटे हुए। हालांकि जो सूर्य ग्रहण को लेकर जो एक अचानक सा इतना लंबी कतार और लंबी भीड़ जो आप देख रहे हो जमावड़ा श्रद्धालुओं का यहाँ पर होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की टीम की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक मात्र 2 कांस्टेबल को जो थाना प्रभारी है वहां से भेजा गया है, जो भीड़ को कंट्रोल करने के, जो वाहन है उसको कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं वहां को, भीड़ कंट्रोल करने के लिए, और तमाम जो युवा है वो यहाँ पर में लगे हुए हैं, ताकि कोई जो स्नानी है जो स्नान करने के लिए घाट पर आए हैं, जो हमारी माताएं बहनें आई स्नान करने के लिए, वो ऐसा ना हो जो किसी दलदली में चले जाए या कोई विशेष खतरा की संभावना, इसके लेकर तमाम युवा सजग है। कुछ युवा से हम जुड़ेंगे, बने रहे हमारे साथ। अभी जो घाट को लेकर जो तमाम श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा यहाँ पर लगा है, क्या व्यवस्था है इस बार का? देखिए, अप्रत्याशित रूप से भीड़ आया है, पहले से हम लोग इसके बारे में कोई जानकारी या नहीं, हम लोग उम्मीद किए थे कि इतना भीड़ आएगा घाट पर, चूंकि कल सूर्य ग्रहण था शाम में, तो उसको लेकर के लोग आज सुबह स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आए, तो हम सुबह में जिस समय घाट पर आए लगभग 5 बजे, उसी समय देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने समिति के सभी सदस्य को बुलाया, मुखिया जी को फोन करके बोले कि वहाँ से प्रशासन को बोलिए भेजने के लिए, पता नहीं अभी प्रशासन आया कि नहीं आया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। दो टीम जो है, तो आपका जो कांस्टेबल है, 2 कांस्टेबल वहाँ पर कार्य कर रहा है, जो जाम है उसको कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। अच्छा, कर रहा है, हाँ। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को भी और मुखिया जी को भी धन्यवाद देते हैं, सहायक पंचायत के जो मुखिया है उनको धन्यवाद देते हैं। ये जो लोगों की भीड़ है, इसका मुख्य वजह क्या है? सूर्य ग्रहण है या फिर छठ को लेकर काफी? देखिए, यहाँ हर साल भीड़ रहता ही है, इस समय जो है जो स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं छठ पूजा से पहले, बढ़ती लोग उसको लेके भीड़ रहता है, लेकिन सूर्य ग्रहण होने के कारण भीड़ में अधिक वृद्धि हो गया, और यह प्रसिद्ध घाट है। घाट के लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर के हैं, बहुत दूर दूर के लोग पहुंच रहे हैं, बहुत दूर दूर के लोग पहुंच रहे हैं, सरायरंजन से लेकर के मुसरी घाटी से लेकर के आप उधर जितना चले जाइए दूर तक, सब वहाँ के लोग आ रहे हैं।
छठ घाटों को लेकर के साफ सफाई काफी उचित नहीं है, गंदगी अभी भी दिख रहा है, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की? देखिए, हम लोग दीपावली से दो दिन पहले से ही लगे हुए हैं। आप जिस रास्ते से अभी आए हैं, जिस रास्ते पर भीड़ आपको दिख रही है, वह रास्ता भी पूरा गंदगी से भरा हुआ था। हम लोगों ने समिति के सभी सदस्य मिल करके उसको साफ किए, और आप जो अभी घाट दिख रहे हैं, घाट के दोनों तरफ पूरा जलकुंभी जो होता है वो पूरा था उसमें। स्थानीय प्रशासन की टीम दो दिनों से लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है, हाँ। तो क्या उन लोगों के द्वारा कुछ निर्देश मिला आप लोगों? देखिए, अभी तक केवल निरीक्षण ही किए हैं, हम लोगों को कोई निर्देश नहीं मिला है। उन लोगों का कहना है कि घाट में पानी ज़्यादा है, आप लोग कहीं मतलब व्यवस्था कर लीजिए, कृत्रिम रूप से तालाब बना करके उसमें कीजिए जाए। लेकिन हम लोगों के पूर्वज यहाँ छठ मनाते आ रहे हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसा कि सुनने में आया था, जैसा कि आप लोग कुछ प्रोग्राम वगैरह वगैरह भी करने का सोच रहे हैं इस बार, तो क्या प्रोग्राम करने के लिए अनुमति आप लोगों को मिली है क्या? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, सबमिट कर दिया प्रशासन के पास। अब उस पर अनुमति प्रशासन देगी, तो उसके बाद हम लोग बैनर पोस्टर लगा करके पूरे प्रचार भी करेंगे। ऐसे जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता देते हैं, जो भी श्रद्धालु जो भी जनता यहाँ आना चाहें उनके लिए, कि हम लोग यहाँ खरना के दिन दोपहर 12-1 बजे के बीच पूजा प्रारंभ करेंगे। मूर्ति पूजा, जो प्रतिमा स्थापना होता है यहाँ पर, उसका पूजा होगा, और संध्या 6 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। अच्छा। और उसके बाद शास्त्रीय संगीत का भी प्रोग्राम है उसी में। अच्छा। जो कि लगभग 10 बजे रात तक चलेगा। अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला आधिकारिक रूप से आप? नहीं, हम लोगों से एप्लीकेशन मांगा गया है, हम लोगों ने पूरा ग्रामीण से अनुमति लेकर के सब लोगों के सहमति से एप्लीकेशन वहाँ सबमिट किए हैं, सब लोगों के सहयोग से, सब लोग का साइन सिग्नेचर मोहर करा करके वहाँ रखा हुआ हम लोगों का। क्या नाम हो आपका? रमन कुमार झा। क्या है आप में समिति के कुछ है क्या? समिति के हम सदस्य हैं। अच्छा। सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं हम। समिति के अध्यक्ष कौन है, यहाँ के जो समिति होंगे अध्यक्ष कौन है? देखिए, अध्यक्ष तो कोई नहीं है अभी, मान के चलिए, तो जो भी हमारा समिति है सब लोग एक अध्यक्ष के नाते ही काम कर रहे हैं। समान जिम्मेवारी, प्रॉपर रूप से पूरे ग्रामीण का सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, समिति के अलावा ग्रामीण का भी सहयोग मिलता है। हाँ हाँ, आज हम लोगों का था, मतलब कि सुबह आते हम लोग इसे कीचड़ जो था इसको साफ करते, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम लोग कर नहीं पाए, तो हम लोग भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं अपने स्तर से। जिधर पानी ज़्यादा उधर लोगों को रोक रहे हैं, उधर स्नान करने से मना कर रहे हैं। जहाँ घाट बढ़िया है उधर आदमी को बोल रहे उधर आप स्नान कीजिए, उधर बढ़िया से सब व्यवस्था किए हुए। पिछले बार की अपेक्षा जो इस बार का जो घाट का जो स्थिति दिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है पिछले बार की अपेक्षा इस बार? देखिए, पिछले बार पानी लौट गया था, उसके बाद कुछ समय मिला था हम लोगों को, घाट थोड़ा सा सूख गया था। इस बार क्या है कि पानी बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से अभी घट रहा है, तुरंत ही घट रहा है, जिसके कारण कीचड़ बहुत ज़्यादा है, कीचड़ ज़्यादा है और पानी भी ज़्यादा गहराई है पानी की, तो उसको लेकर के हम प्रशासन से मांग किए कि बैरिकेटिंग व्यवस्था अगर हो जाए प्रखंड स्तर के प्रशासन के द्वारा, तो बहुत बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए, छठवर्ती के लिए भी बढ़िया रहेगा। और हम लोगों ने उसकी सुरक्षा के लिए नाव वगैरह का भी इंतजाम किया है अपने स्तर से, कि कुछ घटना होता है तो उसको तुरंत मतलब कि सुरक्षा दिया जाए उस पर। धन्यवाद। और हमारे साथ जो कुछ जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, जो गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। क्या व्यवस्था लग रहा है यहाँ का, जो युवा लोग हैं, व्यवस्था घाट का व्यवस्था किस तरह से लग रहा है आप लोग? अब देख रहे हैं, अब जो जितनी भी परेशानियाँ जो भी थी उन्होंने भाई साहब ने बताया ही। अच्छा। बस आगे जो है ये मतलब हम चाहते हैं कि जितनी भी साफ सफाई हो, अच्छी हो, शांति व्यवस्था हो, हर चीज़ हो, इसमें जो है आनंद आए, उनकी महिमा अपरंपार है। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु, तेरी लीला न्यारी है। देश विदेश से पूरे वर्ल्ड से यहाँ आते हैं इस पर्व को करने के लिए, अपने बिहारवासी खास करके, है ना, तो इनकी तो महत्व अजब ही है। तो आप जो आए हैं घाट पर, कहाँ से आए हैं स्नान करने के? हम ये सिमरी 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 से, सिमरी से जो स्नान करने आए हैं, ये छठ पूजा को लेकर आए हैं स्नान करने के लिए, कि जो सूर्य ग्रहण का लगा था इसको लेकर आए हैं? जी जी जी। किसको लेकर आए हैं? मेन मुद्दा है सूर्य ग्रहण, समझ गए, क्योंकि ये अशुद्ध माना जाता है। अच्छा। तो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए मतलब शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि गंगा स्नान कीजिए और उसके बाद कुछ भी काम कीजिए आपको शुद्ध ही शुद्ध होगा, समझ गए जी। अच्छा। तो इसी मानता को लेकर के, ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ी सी जानकारी है, तो मतलब हम लोग भी अपना फैमिली भी बोली कि चलिए पहले स्नान करते हैं, मैंने कहा चलो सबके समझा रहे जी, नहीं कोई परेशानी, कोई परेशानी, सब सारी व्यवस्था है, टेम्पू से आए हैं गए हैं फिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह से समझ लीजिए पूर्णमासी, पहला पूर्णमासी है, उसके बाद फिर 8 ये क्या कहते हैं नवंबर को फिर होगा ही, फिर जो अपना हो सकता है वहाँ एक जगह चमथा है वहाँ की पोजीशन अच्छी रहेगी, तो वहाँ जी हाँ हर कार्यक्रम होगा, हम लोग भी जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, गाते भी बजाते भी सब कुछ करते हैं, खूब डांस वांस सब चलता है, एकदम दंगल होता है प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद आपको भी बहुत। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, बने रहे हमारे साथ। समिति के जो कुछ एक और मेंबर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप कार्ड लगाए हो, कष्टहारा घाट पूजा समिति आदर्श नवयुवक संघ, तो इसमें आपका नाम नहीं है, सदस्य का नाम नहीं है इसमें? जी नाम नहीं है अभी फिलहाल, अभी कार्ड बना ही है, लेकिन पूरा हम लोग के तरफ से सहयोग, आप लोगों का धन्यवाद जो यहाँ तक। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार सिंह जी। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे बात रखने के लिए आए हैं इस चीज़ को,
और कितने दिनों से लगे हुए हैं साफ सफाई में? लगभग लगे हुए हैं, दीपावली के बाद से पूरा लगे हुए हैं। आज भी जैसा कि देख रहे हैं हम लोग आए हैं साफ उफ करने के लिए, अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी प्रशासन लोगों से सहयोग करने का विनती है, वो लोग भी थोड़ा आए और सहयोग करें कि आगे जाके बहुत ही अच्छा हो। अच्छा, प्रत्येक बार घाट पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैं जो लगातार हम 4 सालों से इस घाट का मुआयना करते आ रहे हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे, तो यहाँ पर 2 कांस्टेबल बल को दे दिया जाता है। क्या लगता है जो इस घाट की जो स्थिति है इस बार की, क्या ये पर्याप्त है 2 कांस्टेबल? नहीं नहीं, इतनी भीड़ लगती है, 2 पर्याप्त नहीं है, और बढ़ाया जाए इसको और अच्छे तरह से होगी, काहे कि श्रद्धालु लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ उमड़ती है यहाँ पे। जैसा कि सर बता रहे थे, प्रशासन का जो मॉनिटरिंग है, लगातार घाट का निरीक्षण किया जा रहा है, तो कल जैसा कि जो हमारे आपके क्षेत्र के जो BDO साहिबा हैं और CO साहब हैं, तो वो भी आए थे, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, वो क्या निर्देश कुछ दिए हैं? अभी तो 2-3 दिन बचा हुआ, अभी तो निर्देश कुछ आया नहीं है, 2-3 दिन बचा हुआ है, तो हम लोग वेट करते हैं। तो एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? बूटन सिंह नाम हुआ। कहाँ से आए? मैं बहादुरपुर, कांचा बहादुरपुर से आया हूँ जी, और मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर रहते नहीं। कष्टहारणी घाट जो विद्यापति नगर कष्टहारणी घाट है, तो कष्टहारणी घाट पर आप पहली बार आए? पहली बार आए जी। अच्छा, तो पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं हम, जिस हिसाब से भीड़ है जी, उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है? अच्छा, तो युवा लोग, व्यवस्था यहाँ के जो समिति के युवा लोग हैं, ये सब कर रहे हैं? युवा लोग अपने स्तर पे कितना करेंगे, जब तक शासन प्रशासन अगर साथ ना दे जी, तो कोई नहीं कर सकता जी। क्योंकि आजकल बढ़ावा आप देख ही रहे हैं, जो अयोध्या में, क्या नाम है, हरिद्वार में, जहाँ भी जाएं आप, डेवलप हो रही है जी। तो उस हिसाब से जो यहाँ जो आप विद्यापति धाम जो नाम दिया गया जी, तो उसी से जुड़ा हुआ है ये। बिल्कुल, तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो इस हिसाब से मैं ये आप लोगों को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो शासन प्रशासन जो है, इन चीज़ को ध्यान दे और इनको जिंदा रखने का कोशिश करें, ताकि बाहर ना जाए। जो लोग दूर जाते हैं तो दूर जाते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, वो तो सोचेंगे जो हम भाई पास में है व्यवस्था, तो हम पास में क्यों नहीं जाएं जो हम दूर जाएं। तो हम यही आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो शासन प्रशासन जो भी है यहाँ के लोग, जो युवा लोग जो यहाँ पर जो व्यवस्था कर रहे थे, उनका इतना आप खुद ही देख सकते हैं, जो इतना डेवलप नहीं हुआ है और ना तो इतना साफ सफाई हुआ है, आप देख सकते हैं जो किस तरीके से आदमी जा रहा आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो स्थानीय प्रशासन शासन जो भी यहां पे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? बूटन सिंह। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बूटन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये तमाम चीज़ों पर ये इन्होंने अपनी बातों को रखा। जो निश्चित रूप से जो युवा लोग हैं वो कर रहे हैं, जो भी कार्य है वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की आवश्यकता है, और सजग रूप से अगर प्रशासन चाहे तो निश्चित रूप से जो घाट का निरीक्षण ही नहीं, उसके साथ साथ जो प्रबंध है वो भी प्रबंध करना चाहिए, चूँकि ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है विद्यापति नगर का। जो कष्टहारणी घाट है, वो घाट की महत्ता तो किसी से छिपी नहीं है, और जो स्थिति है वो भी दिख रहा है साफ आपके कैमरे पर, हम लगातार आपको जो स्थिति है वो दिखा रहे हैं। तो लोगों का साफ कहना है, तमाम युवा का कहना है, यहाँ के जो सदस्य हैं वो जो समिति से जुड़े हुए हैं, वो सदस्य का भी कहना है, जो स्थिति दलदला सा बना हुआ उसमें निश्चित रूप से प्रशासन सजग रूप से आवे, और निश्चित रूप से उसमें युवाओं के साथ पैर से कदम मिला के निश्चित रूप से सहयोग करे, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं, उन्हें किसी प्रकार कोई परेशानियों का सामना करना ना पड़े। बने रहे हमारे साथ, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम।